नमस्कार। निःशस्त्र की जो ये पहल चल रही है कि किसी न किसी फेमस कवि को, पोएट को आपके सामने लाया जाए, उस श्रृंखला में आज मैं, मेरी पसंद में श्री दुष्यंत कुमार जी की एक दो कविताएं आपके सामने लाना चाहूंगी। श्री दुष्यंत कुमार जी 1933 में जन्मे। इलाहाबाद से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा करी, पूरी करी। दुष्यंत जी मेरे प्रसिद्ध पसंदीदा कवि इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत ही जिंदगी से जुड़े हुए कवि हैं। उनकी कविताओं में रोमानियत भी है लेकिन वो कहीं सच्चाई से दूर नहीं भागती। और हालांकि कई बार ऐसा विद्रोह है जो आपको कसमसा देता है, लेकिन उस विद्रोह में एक पॉजिटिवनेस है, वो आपको अच्छा इंसान बनने के लिए और जो सूरत हाल है उसको बदलने के लिए उकसाती है, प्रभावित करती है। तो अगर मैं ये कहूं कि दुष्यंत कुमार आज की गजल में वो ना दुख लेकर आते हैं, ना वो खाली प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन वो जिंदगी से जुड़े हुए हर पहलू की बात करते हैं। और इसलिए ही शायद हर व्यक्ति के दिल को वो कविता छू जाती है, क्योंकि वो जो भी बात कहते हैं वो हर व्यक्ति से संबंधित कहीं ना कहीं होती है और इसीलिए उसके दिल को छू जाती है। तो मैं सबसे पहले उनकी एक कविता हो गई है पीर पर्वत सी, जो मुझे नहीं लगता जो दुष्यंत कुमार को जानते हैं उन्होंने ये कविता ना सुनी हो। तो मेरी ये बहुत ही पसंदीदा कविता है, तो मैं इसी का एक बार पठन करना चाहूंगी। प्रस्तुत है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। उनकी एक और कविता है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और गजल के सही माने में हिंदी गजल को वो प्रस्तुत करती है। कहां तो तय था चरागाह हरेक घर के लिए, कहां तो तय था चरागाह हरेक घर के लिए, कहां तो तय था चरागाह हरेक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए,
कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में, जिए तो अपने बगीचे में गुल महर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। कहाँ तो तय था चरागा हर एक सफर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए।